अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर यही पेज नंबर 54 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन 1J का 5। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज दी है, ध्यान देना। बोरोड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब देखो हमने कहां से पैसा लिया, बोलता बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पैसा लिया है, ठीक है। कितना पैसा लिया बोलता, 2,00,000 रुपए। कब लिया बोलता, 1 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। कब लिया, 1 अक्टूबर 2019 को, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है बोलता, 15% पर एनम। साल भरे में कितना देना है आपको पर एनम, पर एनम मतलब एक साल का, 1 ईयर, ठीक है। ध्यान देना जिसको नहीं पता, पर एनम मतलब 1 ईयर का। कितना लिया है अपने को, क्या बोला, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हमको क्या निकालने बोला है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द ईयर 19-20। मतलब 19 में लिया तो 20 में खत्म होगा, 20 में कब खत्म होगा, अज्यूमिंग दैट द फाइनेंशियल ईयर कब होने वाला है बोलता, 31 मार्च 2019 को। ऐसा जुड़ेगा एवरी ईयर बोलता है, तो देखो हम कहां से गिनेंगे, 1 अक्टूबर 2019 यहां से काउंट करेंगे। कब तक करेंगे, मार्च महीने तक, 31 मार्च 2019। देखो यहाँ पे कौन सा महीना, ये अक्टूबर स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है मतलब पूरा महीना काउंट होगा अभी, तो ये अक्टूबर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा नवंबर, उसके बाद आ जाएगा दिसंबर, फिर आ जाएगा जनवरी, फिर आ जाएगा फरवरी, और उसके बाद आ जाएगा लास्ट में मार्च, क्योंकि मार्च का पूरा महीना कंप्लीट हो रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितने महीने आ रहे हैं यहाँ पे टोटल, 6 महीने। कितने महीने आ रहे हैं टोटल, 6 महीने। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। 6 महीने आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करूंगा, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन क्या बोल रहा है, बैंक लोन जो निकालने बोले उसका नाम, फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, पी आर एन, प्रिंसिपल रेट और नंबर ऑफ इयर्स या जो भी रहेगा नंबर ऑफ मंथ, डिवाइडेड बाय कर देंगे 100, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा कैसा निकल जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना दिया है, 2,00,000 दिया है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे रेट, रेट कितना दिया हमारे पास, 15%, 15% मतलब डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको 100, क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100, और मल्टीप्लाई कर देंगे एन, एन मतलब नंबर ऑफ मंथ्स या जो भी चीज होंगी। अब देखो मंथ कितने निकाले हमने, 6, तो यहाँ पे कर देंगे 6 डिवाइडेड बाय 12। समझ रहे हैं क्या, 6 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे 6 मंथ निकाले थे, 6 बाय 12 कर देंगे, एक साल में 12 महीने। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट करेंगे, 6 1 6 2 12, ठीक है। ये 2 0, ये 2 0 कर दिया हमने कैंसल, ये 2 बचा, ये 2 1 में और ये 2 1 में गया, कितना बचा यहाँ पे देखो 1, और यहाँ पे 3 0 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 15 से, तो कितना जाएगा यहाँ पे, ₹15,000। ये क्या बन गया हमारे लिए, इंटरेस्ट, कितना बन गया, ₹15,000। समझा क्या, समझा, ठीक है, लिख लो इसको।